नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल शर्मा और मैं आया हूँ हमारे रोड सेफ्टी फाउंडेशन के तलोजा वाले ट्रेनिंग सेंटर में। मैं आपको हमारे एक स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ जो इस वक्त हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। माइक। हेलो, माय नेम इज अरफान फैसल संसी। ओके, मैं बिहार से हूँ। आप बिहार के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। तो मुझे ये बताइए कि ये फोर्कलिफ्ट आप सीखने आए हैं, ये सीखने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? मैं एक्चुअली दुबई में था 2013 में। ओके। तो मेरे एक दोस्त लोग थे, वो चलाते थे। ठीक है। तो मैं सोचता था कि सीखूं, लेकिन कहाँ से सीखूं समझ में नहीं आ पा रहा था मुझे। ओके। उसके बाद मैं दुबई से मैं इंडिया आया। ओके। फिर उसके बाद इंडिया आने के बाद मैंने इस पर सर्च किया। कहाँ सर्च किया? यूट्यूब पे मैंने सर्च किया। क्या सर्च किया यूट्यूब पे? कि फोर्कलिफ्ट कहाँ सीख सकते हैं इंडिया में। ठीक है। तो सबसे बेस्ट मुझे ये लगा रोड फाइनेंशियल लगा मुझे। तो मुझे डर था दिल में कि जाऊंगा तो वहाँ क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली डर रहता है सर। नहीं, सही बात है, जगह जाते तो एक डर रहता है मन। वहाँ जाने के बाद क्या होगा, मैं सीख पाऊंगा कि पैसा ले लेंगे, सिखाएंगे नहीं। लेकिन मैं यहाँ आया, फर्स्ट डे मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे करूँ क्या करूँ। लेकिन अतुल सर है यहाँ पे और सर लोग जो वो ऐसे सिखाए कि मुझे इतना मजा आने लगा सीखने में कि मैं एक घंटे पहले आके बैठ जाता था यहाँ पे सीखने के लिए। बहुत खुशी हुई मुझे सर। चलिए, तो जब आप यहाँ पे पहुँचे तो आपको ट्रेनिंग सेंटर देख के कैसा लगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा? बहुत बहुत मस्त लगा। और बहुत से यहाँ अच्छे से सिखाते हैं सर लोग, बहुत अच्छे हैं। कुछ गलती भी होता है तो समझाते हैं, एकदम हाथ पकड़ के सिखाते हैं। हाथ पकड़ के बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और रह कहाँ रहे हैं इस वक्त आप? अभी मैं इनका गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस नहीं बोल सकते हैं, एक फ्लोर पे रूम है। बहुत हमारे दो फ्लैट्स हैं एक्चुअली, एक 2 BHK फ्लैट है, एक 1 BHK फ्लैट है, उसमें हम रहने का अरेंजमेंट कराते हैं। कितना फीस लिया गया आपसे रहने का? 1000 रुपीज़। कितने दिन का? 15 डेज का। 15 डेज मतलब बेसिकली जितने भी दिन आपका ट्रेनिंग चलेगा उतने दिन आप हमारे गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। बस एक ही बार 1000 रुपये आपको देना है। और खाना कहाँ खाते हैं? खाना वही नीचे में रहते हैं, सब सर लोग सब खाते हैं। आसपास कैंटीन और मैस वगैरह काफी है वहाँ पे, आप इजीली खाना जो भी आप खाना चाहें, वेज नॉन वेज वो आपके ऊपर है, आप खाना खा सकते हैं। अच्छी सोसाइटी है। और ये मत सोचे कि 1000 रुपये में कैसा रहेगा। मैं पहले ये सोचता था कि 1000 में क्या रहेगा, रूम कचरा रहेगा। लेकिन जाने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बेस्ट है। आप रूम का भी कभी वीडियो देखेंगे सर, बताएंगे उसका वीडियो भी हम जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, हमारे दोनों गेस्ट का। अच्छा, आप कितने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं? मैं 12 से 13 दिन। 12 से 13 मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। तो आपने सब कुछ सीख लिया रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रैक पे सामान चढ़ाना, किस लेवल तक आप चढ़ा पाते हैं? थर्ड फ्लोर पे पूरा चढ़ा लेते हैं। और बॉक्स और पैलेट दोनों आप करते हैं? दोनों। और स्टैकिंग सीखा आपने? मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं सोचा था होगा कि नहीं होगा। एक्चुअली क्या, मैं कार ड्राइवर था, मैं सोचता था कि ये कैसे होगा, एट होगा ही नहीं। लेकिन सर लोग ने बताया कि बहुत अच्छे से होगा, टेंशन मत लो। और मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं 3 दिन तक सोच पा रहा था कि कैसे करूंगा एट। लेकिन 1 से 1.5 दिन में सर ने मुझे कम्प्लीट कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ से अभी आप कॉन्फिडेंटली 8 फिगर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। गाड़ी चलाने में किसी तरह का डर आपके मन में नहीं? कोई इशू नहीं। अभी फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं गल्फ जाना चाह रहा हूँ। गल्फ जाना चाह रहे हैं? ओके, गल्फ में जाऊँ। तो उसके लिए आपने कहीं बात करके रखा है कि अभी देखेंगे? नहीं, अभी मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हूँ। अच्छा, लाइसेंस के लिए? आप इन्हीं के थ्रू लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हूँ। उसके बाद मैं उसके लिए फरीदाबाद गए, फरीदाबाद जाऊँगा इंशाल्लाह, उसका करूँ, उसके बाद अब जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, YouTube पर जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपके बिहार के स्पेशल, हाँ जी, उनके लिए बिहारी में कोई मैसेज देना चाहेंगे आपकी लोकल लैंग्वेज में? दीजिए। लोकल तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं हमारे इधर में, लेकिन आओ आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा। मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं दरभंगा से, बिहार से हूँ। बहुत बेस्ट है ये, आप एक बार आओगे तो आप दिल कहोगे कि हाँ अरफत भाई आपने किस जगह भेजा, दिल खुश हो जाएगा। आपको हुनर नहीं आता है ना, आप यहाँ आओ अच्छे से सीख के जाओ। बिल्कुल सही है, स्किल सीख लेंगे तो आप लाइफ में काफी आगे तरक्की करोगे। बहुत 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 ज्यादा फायदा होगा। इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि फोर्कलिफ्ट ऐसी गाड़ी है जिसके बिना कोई भी कंपनी ऑपरेट नहीं हो सकती। मैं 7 साल बाहर रहा हूँ, 7 साल बाहर रहने का सोच लो, अब मैं गल्फ में 7 साल रहा, उसके बाद मैं आगे ये सीख रहा हूँ। इसमें कोई ना कोई बात होगा तो मैं गल्फ में आगे सीख रहा हूँ। अच्छा, आप हमारे 12-13 दिन हो गया ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनर्स कितना रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से हमारे? मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। मुझे कोई फोल्ड नहीं लगा, यहाँ तक कि मुझे ये लगा कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। ये चलाने के बाद मुझे लगता है मैं ट्रक भी चला सकता हूँ। नहीं नहीं, पर ऐसा करना नहीं है। नहीं, चला सकते हो, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है। बहुत बेस्ट, कभी भी ये नहीं मानना है कि आप एक्सपर्ट हो गए, हमेशा पूरी सावधानी के साथ ही गाड़ियाँ चलाएं। यहाँ जो सिखाए हैं सर लोग ने, उतना अपने आप को ये हो गया कि मैं कर सकता हूँ, कोई चीज से हार नहीं मान। मैं पहले हार मान लिया था कि नहीं हो पाएगा, मैं एक में हार मान लिया था कि एक मेरे से होगा ही नहीं, लेकिन मैं 1.5 दिन में कंप्लीट किया हूँ। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, मैं कामना करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप भविष्य में बहुत तरक्की करें और ऐसी आगे तरक्की करते रहे, अपने आप को भी संभालें, अपने परिवार को भी संभालें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।